डायनासोर तो बचे नहीं हैं, इसलिए इन्होंने इस स्टैचू से ही काम चलाया हुआ है। तो ये इन्होंने डायनासोर का स्टैचू बनाया हुआ है। देखिए, हम ज़ू में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमें यहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखिए कितना खूबसूरत है सामने मेरे, देख रहे हैं आप। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ऑस्ट्रिच कितने बड़े साइज में हैं। ये देखिए, यहाँ इन्होंने दो ऑस्ट्रिच रखे हुए हैं। ऑस्ट्रिच से हम थोड़ा और आगे चलें तो देखते हैं अभी और क्या देखने को मिलेगा। ये है टर्की, देखिए ये टर्की है। इसकी डिटेल इन्होंने यहाँ दी हुई है। टर्की से जस्ट आगे इन्होंने रखे हुए हैं ईमू। देखिए इन्होंने दो ईमू केज में बंद किए हुए हैं। ये देखिए, ये है एलिगेटर्स का पॉन्ड जहाँ पे एलिगेटर्स महोदय विश्राम कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। तो कैमरा अगर कैप्चर कर रहा है तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं क्रोकोडाइल्स के पॉन्ड के पास, जहां पर हमें तीन क्रोकोडाइल्स नज़र आ रहे हैं। आप एलिगेटर और क्रोकोडाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। एलिगेटर का जो फेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है और क्रोकोडाइल का जो फेस है वो लंबा नहीं होता है। बस एक यही मुझे डिफरेंस नज़र आता है। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ स्नेक पार्क। चलिए आइए चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं इन्होंने कितने सांप अंदर रखे हुए हैं। यहाँ अंदर एंट्री करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो यहाँ पर स्नेक्स हैं उनके बारे में इन्होंने एक दीवार पर डिटेल दी हुई है। अब हम पहुँच चुके हैं इंडियन कोबरा के पास। तो ये देखिए, वाव। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वाइन स्नेक, जो इस पेड़ पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है मुझे। देखिए, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो ये काफ़ी लंबा है और ये ग्रीन एकदम है जो पेड़ों पे रहता है। काफ़ी लंबा है ये। ये देखिए, इसका फेस ये है। यकीन मानिए, इतने नज़दीक से मैंने फर्स्ट टाइम सांप देखे हैं। मुझे सांपों से बहुत डर लगता है, लेकिन ठीक है, आज देखने को मिल रहे हैं इतने नज़दीक से। हमने स्नेक पार्क घूम लिया है और काफ़ी स्नेक्स यहाँ हमें देखने को मिले जो मैंने कभी पहले नहीं देखे थे। आप यहाँ आएंगे तो आपको आके अच्छा लगेगा। ये देखिए, भालू महाराज बैठे हैं आराम से और मैसेज दे रहे हैं हमें, क्लीन दून ग्रीन दून। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप जब भी आएँ तो यहाँ साफ सफाई बनाए रखें। पहुँच चुके हैं हम फिश एक्वेरियम, जहाँ पर काफ़ी तरह की मछलियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर एंट्री के लिए आपको अलग से चार्ज करना होगा। एडल्ट्स के लिए इन्होंने 50 रुपये टिकट का चार्ज रखा है और चाइल्ड्स के लिए 20 रुपीज़।
पहुँचे हैं जी कैक्टस एंड सकुलेंट गार्डन, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंट्री फीस इन्होंने रखी है 10 रुपीस पर हेड। देखिए ये है सकुलेंट। सकुलेंट के काफ़ी सारी वैरायटी इन्होंने रखी हुई हैं, कुछ मैंने पहले देखी हैं और कुछ नहीं देखी हैं जो मैं अभी देख रही हूँ। ये है कैक्टस और कैक्टस की हाइट देखिए आप, यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के कैक्टस हैं, देखिए बहुत खूबसूरत हैं। जहाँ हमने इतने बड़े कैक्टस देखे वहीं ये बहुत ही स्मॉल कैक्टस हैं और जो कलरफुल हैं बहुत सुंदर। देखिए अगर आपको 10 रुपीज़ पे करके इतना सब कुछ देखने को मिलता है, इतनी वैरायटी से आप इंट्रोड्यूस होते हैं तो कुछ बुरा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऐसी आपको मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी है। स्मॉल से स्मॉल साइज़ में आपको कैक्टस दिखाई देंगे और लार्ज से लार्ज में। मैडम कैक्टस गार्डन में तुम क्या कर रही हो? ओ बिल्ली रानी इधर आओ, कहाँ छिप गई तुम? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ओ कैक्टस गार्डन से ही जॉइंट होके ये एक ब्रिज जाता है छोटा सा, ये ब्रिज जाता है एक गार्डन में जो मैं अब देखने जा रही हूँ कि कैसा है। अरे हाँ सामने देखिए ये स्टोन से तराशी हुई कुछ स्टैचूज हैं जो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। देखिए रास्ता भी तो कितना खूबसूरत है, मन करता है बस चलते जाओ। बच्चों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, आप अपने बच्चों को यहाँ घुमाने आ सकते हैं। देखिए मेरा बच्चा तो यहीं पे घूम रहा है, उसे मेरी भी ज़रूरत नहीं है, बस अकेले ही वो इंजॉय कर रहा है अच्छे से, तो यहाँ मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई अपना व्लॉग शूट करने में। ये देखिए हमें हिरन भी दिख गए हैं, ओपन एरिया में खड़े हुए हैं तो हमें अच्छे से एक झुंड में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए ये भी देख पाए हम यहाँ पर। अब हम लास्ट में आ पहुँचे हैं लेपर्ड के पास। ये लेपर्ड का केज है, अगर हमें लेपर्ड दिखाई दे जाए तो हम बहुत लकी होंगे। ओ माय गॉड दिख रहा है। अब हम इस सोए हुए लेपर्ड के साथ में अपने व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। हम यहाँ आए थे ठीक 12 बजे और अभी टाइम हो चुका है 4 से ज़्यादा बज चुके हैं, तो यहाँ घूमने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए। तो आप जब भी आएँ तो 4 से 5 घंटे का प्लान करके आएँ कि आप ये ज़ू घूम पाएंगे। सो आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।